7-7, I'm raising the bar, you can go ahead and mess up, yeah. Think about time for a toast, yeah. Time that we welcome to go, yeah. Yo, we're just leaving, I think about time that somebody go get them their coat. You know I got all that ass, I'm come back in, what you call that add on. So guys, welcome back to the new video. आज की वीडियो हमारी होगी लेग्स वर्कआउट के ऊपर, जो कि मेरा बहुत फेवरेट मसल है, क्योंकि लेग्स ऐसा मसल है जो आपको बस लेग्स नहीं बनाएंगे, आपके जो पूरे ओवरऑल बॉडी को ग्रो करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा वो मसल है लेग्स। तो इसमें हम क्या क्या एक्सरसाइज लगाएंगे, क्या क्या हमारा फॉर्म रहेगा, क्या रिप रेंज रहेंगी, क्या रेस्ट पीरियड रहेगा, ये सब मैं आपको ये वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो पूरे देखना, काफ़ी हेल्पफुल वर्कआउट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा आपको वर्कआउट जो पसंद आएगा। तो वीडियो करो लाइक, और आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल करो सब्सक्राइब, और इंस्टा पे भी फॉलो करो। तो चलिए वीडियो करते हैं। लेग्स का वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हम लगेंगे थोड़े जो है फ्री स्पॉट्स लगाएंगे इसमें। देखो आप फॉर्म देखो, पूरा मैं नीचे उतारो, पूरा ऊपर रखना है ये पोजीशन। और उसके बाद में ये एक्सटेंशन के भी मैं लगा लूंगा दो सेट, जिससे कि वार्म जो हो सके। उसके बाद में हम लगेंगे लेग्स की हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज रहेंगी स्क्वाट्स, सबसे बेसिक, सबसे ज़्यादा जो आपका टेस्टोस्टेरोन जो बूस्ट करेंगी और जो पूरा जो है बड़ा आपका जो लेग्स बनाएंगी वो एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स जो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। फॉर्म देखिए आप, रॉड जो है यहाँ पे नहीं रखनी है, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रखेंगे आपको तो इजी जाएगा लिफ्ट करने में। ओके, तो ये पोजिशन में आपकी रॉड आएंगी और फिर जो ज़्यादा पास भी नहीं, एक नॉर्मल स्टांस में ग्रिप रखेंगे, टोज बाहर रखेंगे और देन रॉड लेके जाएंगे पूरा नीचे। रेंज ऑफ मोशन देखिए आप, पूरा नीचे बैठना है देन ऊपर। ओके, अगर आप होल्ड कर पाए तो यहाँ पे होल्ड कीजिए। सो गाइस, स्क्वाट्स के हम लगाएंगे चार सेट, रेप रेंज रहेंगे हमारी 8 reps to 10 reps। वेट उतना ही लगाइए जिसमें कि 8 से 10 रेप में आपका फेलियर निकल सके, और वेट जो है आप ट्राई कीजिए हेवी करने का। अगर आप बिगिनर हो, आपको रॉड पे नहीं करते आ रहा है बार बार रॉड पे, तो आप स्मिथ पे जरूर कीजिए, पर स्क्वाट्स को जो है स्किप नहीं कीजिए, मैन ऑफ बेस्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। सो गाइस, एक्सरसाइज हमारी लेग्स के वर्कआउट में रहेंगी ये लेग एक्सटेंशन। ये देखो आप, वेट आपको ऐसा लगाना है इसमें कि आपके 10 to 12 reps आ सके, फेलियर आ सके। मैं तो यहाँ पर पूरा वेट लगा दूंगा, ये मशीन में इतना ही वेट है। तो देखो आप, पूरा पीछे जाना है, पर ऊपर आने देना है यहाँ पे, और देन स्लोली रिलीज करना है इस पर आपके लेग्स पे। सो गाइस, लेग एक्सटेंशन लगाएंगे हम, तो जो टोज जो रहेंगे वो इनवर्ड रहेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप वीडियो में। ऐसा नहीं करना है आपको, आगे नीचे नहीं चाहिए, ये पोजिशन में होना चाहिए ताकि कॉन्ट्रैक्शन ये वाले पार्ट में पूरा आ सके। ओके, ये देखो एक्सटेंशन के हम लगेंगे 4 से 10 to 12 reps। आइसोलेशन मूवमेंट है तो रेप रेंज हम बढ़ा भी सकते हैं इसमें। ओके, इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। सो गाइस, लेग्स की हमारी थर्ड एक्सरसाइज लेग प्रेस। लेग प्रेस ऐसी एक्सरसाइज है जो कि बहुत ईजी है। सो इसमें हम वेट हेवी भी लगा सकते हैं, आप भी इतना ही वेट लगाइए जिसमें आपके 10-12 reps आ सके। इसमें भी हम लगाएंगे 3 sets। तो देखिए आप मेरा फॉर्म, रेंज ऑफ मोशन क्या रहता है। सो गाइस, लेग प्रेस में हम लगाएंगे 3 sets 8 to 12 reps। रेस्ट पीरियड उतना ही रखना है 1 से 1.5 मिनट का रिकवरी होने तक। तो ये आइसोलेशन में, आइसोलेशन वाली यहाँ पे ये एक्सरसाइज, इसमें भी ज़्यादा जॉइंट जो इन्वॉल्व नहीं होते, तो काफ़ी अच्छा खासा जो है कॉर्ड्स में प्रेशर और पंप अच्छे से फील होगा, अच्छे से मसल माइंड कनेक्शन बना के आप एक्सरसाइज कीजिए ताकि पंप अच्छा आ सके यहाँ पे। सो गाइस, लेग्स की अपनी जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो रहेंगी लंजेस। बहुत सारे को लोगों को एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं पसंद है, पर कॉर्ड्स पे जो इसमें प्रेशर आएगा, जो आपका बिल्ड होगा ना कॉर्ड्स, तो उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है लंजेस। पूरा नीचे जाना है यहाँ पे, देखो ये वाले पार्ट पे काफी तगड़ा जो है अपने को प्रेशर पंप यहाँ पे फील होगा। इसके हम लगाएंगे 3 sets 12 रेप्स तक यहाँ पे लगाएं, 12 रेप्स में आपका जो फेलियर आना चाहिए। वॉकिंग लंजेस भी लगा सकते हैं आप, जो आपको कन्वीनियंट लगे वैसा कर सकते हैं।
तो लंजेस तो आपको जरूर ऐड करना है। तो गाइस फिफ्थ एक्सरसाइज हमारी हैमस्ट्रिंग के लिए रहेंगी, क्वाड्स का जो है मैंने चार एक्सरसाइज आपको बता दिए कौन कौन सी आपको लगानी है उसको ट्रेन। यहाँ पे हम लगाएंगे स्टिफ लेग डंबल डेडलिफ्ट, ये देखो आप ये डंबल जो आपके पूरा पीछे जाना चाहिए और लिफ्ट करना आपको ये पोजिशन तक, पूरा भी ऊपर नहीं लेके आना चाहिए, ऊपर लेके आएंगे तो लोअर बैक पे ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो देखो आप बस इतना ही पोजिशन तक। इसके भी हम लगाएंगे तीन सेट, रेप रेंज रहेंगे हमारी 10-12 रेप्स। ट्राई कीजिएगा उतना वेट ले जिसमें कि फेलियर तक रेप आ सके। ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में हैमस्ट्रिंग के लिए, वो लगाएंगे हम यहाँ पे। सो गाइस हैमस्ट्रिंग के लिए हम लगाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग कर्ल, इस पर चार सेट लगेंगे 8-12 रेप्स फ्रॉम द फॉर। डेप जो रहते गाइस पूरा जो यहाँ तक टच होना चाहिए एंड देन स्लोली रिलीज करना है। तो वैसे आपने रेंज ऑफ मोशन देख लिया, यहाँ पे फॉर्म कैसा रखना है वो भी देख लिया। तो वेट जो है पूरा रिलीज करना है नीचे तक और पूरा लेके आना है, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा मरना है। ओके तो भाई देखिए अभी काफी रिस्क से लगाने को। तो भाई जो काफ जो यहाँ पे पूरा स्ट्रेच होना चाहिए नीचे तक आपको लेके जाना है, देन पूरा ऊपर आके स्क्वीज करना है स्लोली नीचे एंड देन ऊपर, ताकि मसल टेंशन जो है काफ पे पूरी बिल्ड हो सके। तो गाइस काप्स के हम लगाएंगे चार सेट, रेप रेंज रहेंगी 12 से लेके 15 रेप्स, उतना वेट रहेगी जिसमें कि फेलियर आ सके। और काप छोटा मसल है तो बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, वर्कआउट में जरूर ऐड कीजिए। सो गाइस आज की वीडियो को करते ही एंड, आप मेरे को बताइए कमेंट में आपको वर्कआउट कैसा लगा, लेग्स का वर्कआउट, आपको एक्सरसाइज कैसी लगी क्वाड्स की हैमस्ट्रिंग की। ये वर्कआउट मैंने फॉलो किया था एज अ बिगिनर इंटरमीडिएट, काफ़ी अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको जो है जरूर मिलेंगे वर्कआउट फॉलो करके। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए बताइए, आपको मेरी वर्कआउट स्प्लिट जाननी है तो भी बताइए, मैं जो अभी फॉलो कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आपको ये बिगिनर और इंटरमीडिएट का वर्कआउट कैसा लगा ज़रूर बताइए। और वीडियो करते ही ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।